प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ई पाठशाला में। तो आज से हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस्ड। इससे पहले हमने वर्ड प्रोसेसिंग को नाइन्थ में किया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, इसमें थोड़ा सा और एडवांस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैसे फाइल को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, उनका प्रिंट कैसे लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कैसे लेते हैं, कैसे हम वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट और पिक्चर्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, पेज की सेटिंग कैसे करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होती हैं, इसमें कुछ एक नई चीज़ें आप पढ़ेंगे, इंसर्ट सिंबल, सिंबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं हम, बुलेट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या काम होता है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने नाइन्थ में भी पढ़ ली हैं, ठीक है। इंसर्ट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स उनमें कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, रोज और कॉलम्स को कैसे डिलीट करते हैं, टेबल में सेल को कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे सेल को मर्ज करते हैं, मेल एंड मर्ज क्या होती है, ये कुछ एक नए कॉन्सेप्ट हैं, नए क्वेश्चन हैं इसके बीच में जो हम आप नई क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि इस चैप्टर को हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ शुरू किया जाए, उससे पहले हम थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं कि, या उस थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में काम करते थे, ठीक है। तो एमएस वर्ड को हम कहाँ से, तीन मेथड बताए थे मैंने ओपन करने के, ठीक है। हम यहाँ से भी एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्ड, वर्ड 2013 आ गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हाँ, उससे पहले डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करने हैं ये वाला प्रोसेस है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस दबाएंगे कीबोर्ड से, ठीक है। कंट्रोल एस दबाते ही हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है कंप्यूटर का इंटरफेस, ठीक है। ये पीसी, ये दिस पीसी, इसके अंदर ही हम ब्राउज करके जाएंगे और उसके बाद इस तरह से ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ये ड्राइव ओपन होगी, ठीक है। उसका फोल्डर बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर बना दिया विपुल नाम से, ठीक है। उसके बाद इस फोल्डर को हम करेंगे ओपन, ओपन के लिए दो बार क्लिक, ओपन ओपन, ये खुल गया, ठीक है। जैसे खुल जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, दिस पीसी लोकल डिस्क एफ ड्राइव, और उसके अंदर बिपुल नाम का जो फोल्डर है उसमें मैं फाइल बना रहा हूँ, नाम लिख देता हूँ फाइल का, माई फाइल, सेव कर दिया। ये हमारा जो खाली डॉक्यूमेंट था अभी वहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कैसे काम करते हैं वो आपको पता ही है, माई नेम इज विकास एंड आई रीड इन 10th क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते थे, और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग का काम करना होता था तो इस तरह से सिलेक्ट करना, ठीक है। और होम टैब के अंदर हमारी जो फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शंस रहती थी, ठीक है, यहाँ से साइज चेंज करना, ठीक है, यहाँ से स्टाइल चेंज करना, ठीक है, यहाँ से हमने स्टाइल बदल दिया, यहाँ से फिर कलर चेंज करना, ठीक है, ये बोल्ड के लिए, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो कि बैक साइड में भी कलर करना है, तो उसके लिए बैक साइड के लिए ये वाला कलर रहता था हमारे पास, ठीक है,
सी शेडिंग डाल दी हमने, ठीक है, नहीं डालनी है तो कंट्रोल जेड दबाया, अंडू कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती थी इसकी अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। मान लो नंबरिंग करनी होती थी तो ये नंबरिंग थी इसके लिए, 1 2 3 में करनी है तो इसमें करनी है, या ए बी सी डी में करनी है, ठीक है, या नहीं करनी है, ये नंबरिंग के लिए, ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये बुलेट्स हैं, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है नंबरिंग, ठीक है। चलिए ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, और आपको भी थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि हमने क्या क्या काम किए थे 9th क्लास में, है ना। उसके बाद इंसर्ट के अंदर जाके किस तरह से हम क्लिप्स टेबल्स इंसर्ट करते थे, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते थे, ये देखो पिक्चर, पिक्चर के अंदर गए, पिक्चर कोई ढूंढी हमने जाके, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स हैं, ठीक है, पिक्चर्स के अंदर ये पिक्चर हमने यहाँ पे डाल दी, तो इस तरह से हम इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते थे, है ना, पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, इंसर्ट में जाके शेप वगैरह को इंसर्ट करनी हो तो पहले तो हम पॉइंटर को नीचे कर देंगे जहाँ पे हमने शेप डालनी है, ठीक है, इस तरह की कोई भी शेप डालनी है, ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अगर कलरिंग करनी हो तो इसके लिए हम कलरिंग भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग में जाके फिल, ठीक है, ये इंसर्ट में जाके हम पिक्चर्स डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। इनमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कर भी ली है, वर्ड आर्ट भी है, वर्ड आर्ट कैसे डालते हैं, ठीक है, योर टेक्स्ट हियर, ठीक है, ये वाली सारी चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो रही हैं आज, है ना। शेप होगी, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल को इंसर्ट करने के लिए टेबल कितनी रोज और कॉलम्स हमने इंसर्ट टेबल से करना होता था, ठीक है, 5 की जगह 4 कॉलम मान लो, रोज जो है हमने 3 डालनी है, ठीक है, ओके। इस तरह से हमारा टेबल बन जाता था, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर भर दिया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्लास, और बाकी भी बाद में नीचे डाटा भर दिया, जैसे ये सूरज रोल नंबर 21 क्लास 10th, है ना। उसके बाद बाकी सारी की सारी ऑप्शंस हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। तो हम फिर अपना ये जो चैप्टर है इसको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन शुरू करेंगे, हर एक प्रैक्टिकल भी करेंगे कल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना सही काफी था, कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय हिमाचल।